श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में A1 टीवी की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। अनूपगढ़ में कोरोना को लेकर लोग जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्य सड़क गली मोहल्लों में लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे वाहनों को सीज करने की हिदायत के बावजूद भी वाहन चालक बाज नहीं आ रहे। A1 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया और जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया। पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर लाल स्वयं गश्त कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को हिदायत लगातार दी जा रही है। पुलिस की सख्ताई के चलते मुख्य मार्ग सहित गली मोहल्लों की गलियां अब सुनसान दिखाई देने लगी हैं। A1 टीवी की ओर से भी आमजन से घरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में A1 टीवी की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। अनूपगढ़ के क्षेत्रवासी जो है कोरोना को लेकर के जागरूक दिखाई नहीं दे रहे थे, जो अनावश्यक रूप से जो है सड़कों पे घूम रहे थे। पुलिस महानिदेशक के सख्त आदेशों के बावजूद भी जो है रोड पे जो है अनावश्यक रूप से जो है वाहन दौड़ रहे थे। A1 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके चलते जो है प्रशासन हरकत में आया है। आज इधर आप देखेंगे तो पूरी सड़क जो है पूरी तरह से सुनसान दिखाई देगी। इधर भी मैं कैमरामैन को कहूंगा भी इसी जगह की जो तस्वीरें A1 टीवी ने दिखाई थी, जहां पे जो सरपट वाहन दौड़ रहे थे, लेकिन आज पूरी तरह से जो है सुनसान दिखाई दे रही है। A1 टीवी पे खबर चलने के बाद में जो प्रशासन हरकत में आया है, DYSP रामेश्वर लाल जी स्वयं जो है गश्त कर रहे हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं। A1 टीवी भी जो है लोगों से अपील करता है वो घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, A1 टीवी।